हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अभी दिल्ली में और आज मैं जाने वाला हूं दिल्ली से मनाली। दिल्ली कुछ काम से आया था। अभी रात 10 बज रहे हैं, 10:30 बजे मेरी बस है यहां से, वॉल्वो एसी बस, उसके द्वारा मैं जा रहा हूं। अभी आया था मैं कश्मीर गेट के बाहर वाले एरिए में कुछ खाने पीने के लिए। तो इस तरह का ये बाहर का बाज़ार है, बगल में है एग्ज़िट गेट नंबर 1 कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन का। वहाँ से बस जाती है लक्ष्मी हॉलीडेज़ की, उसी से टिकट बुक किया हूँ और उसी से फिर जाऊँगा मनाली के लिए। तो बस की यात्रा उसमें डिटेल में आपको बताऊँगा कैसा है अभी माहौल, कितना टाइम लगेगा पहुँचने में और कितना किराया मैंने पे किया है दिल्ली से मनाली जाने के लिए। तो इस तरफ आया था मैं कुछ खाने पीने के लिए बाहर की तरफ, और इस तरफ है ये सामने मेट्रो स्टेशन है, एग्जिट गेट नंबर 1 उधर है, 7 उस तरफ है। तो अभी चलता हूँ मैं 1 की तरफ, यहाँ से बगल में है, मुश्किल से वहाँ से मैं इस तरफ आया था तो मुश्किल से 2 लगा मुझे इस तरफ आने में। जस्ट रोड क्रॉस करना पड़ता है यहाँ पर गाड़ी देख के, तो रोड क्रॉस करके चलते हैं उस तरफ। ट्रैफिक कम हो गई है, अदरवाइज़ दिन में यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ यहाँ पर रहती है। बसें खड़ी है यहाँ पर जो जाती है जम्मू के लिए, प्राइवेट बसें हैं यहाँ पर खड़ी इस तरह की कुछ, ये सारी प्राइवेट टूर ट्रैवल की बसेस हैं। तो कश्मीरी गेट से ज़्यादातर बसें जाती है सभी जगहों के लिए, उसमें से एक ये प्राइवेट टूर ट्रैवल की बस भी है यहाँ पर, जम्मू जाना हो कटरा जाना हो तो जम्मू भी जाती है और फिर बस कटरा भी जाती है। अब मैं जा रहा हूँ अपने डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ। इधर से चलते हुए बाज़ार लगभग इधर बंद हो गए, शाम के टाइम में अच्छी खासी भीड़ रहती है लेकिन फ़िलहाल ये बंद है। छोड़ ले भटूरे यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, ये आग सेक रहे हैं, ठंड काफ़ी है, ठीक ठाक ठंड है, काफ़ी क्या ऐसे तो ठंड रहती है दिल्ली में, ठीक ठाक। इधर है छोले कुलचे और गुलाब जामुन इस तरफ बेच रहे हैं, ये बाज़ार है इस तरफ का, इधर रेड़ी वाले मतलब है ज़्यादातर इधर है। और अंदर की चल चले जाएंगे जो कॉम्प्लेक्स है मेट्रो स्टेशन का, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया फूड जॉइंट है। इधर ये बेच रहे हैं जैकेट, सर्दियों का समय है जैकेट तो मिल जाएगा। इधर बैग बेच रहे हैं, इधर मोबाइल एक्सेसरीज है। ये मेट्रो स्टेशन है, फूड जॉइंट बहुत सारे, स्टार्टिंग 99 चाइनीज़ वॉक चायोज है। उधर चले जाएंगे आगे तो बर्गर किंग है इधर, तो फूड जॉइंट यहाँ पर काफ़ी सारे खाने पीने की मतलब काफ़ी सारे है यहाँ पर, खासकर एग्जिट गेट नंबर 1 के पास जहाँ से बस पकड़ने वाला हूँ। इस लोकेशन में ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इधर ज़्यादा मार्केट है, लाल किला नज़दीकी है, यहाँ से गाने बज रहे एकदम। और यहाँ पर ये एग्जिट गेट नंबर 1 है मेट्रो स्टेशन का, बाहर आएंगे तो जस्ट बगल में ही है जिस जो बस बुक किया मैंने उसका ऑफिस बगल में ही है, बगल में ही से बस फिर यहाँ से खुलती है, तो खुलने में भी टाइम है 1/2 का। तो मैं जा रहा हूँ उधर ही, बस लगी है नहीं लगी आती है, 15-20 पहले बस आके लग जाती है वहाँ पर। तो ये डोमिनोज का है इस तरफ देखेंगे तो, पिज्ज़ा खाने के लिए यहाँ पर, और इधर स्नैक्स है बीवरेज है, और ये लक्ष्मी हॉलीडेज़ का ऑफिस है यहाँ पर। डायरेक्ट यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं, मैंने तो ऑनलाइन टिकट जैसे करता हूँ redbus.com से, तो टिकट ले लिया मैंने ऑनलाइन यहाँ पर। तो कुछ इस तरह का है ये एरिया दिखता है, ठीक ठाक है, बढ़िया है। अब मैं जाता हूँ बस की तरफ, देखता हूँ मेरी बस आई है कि अभी नहीं आए, यहीं पर बस आके खड़ी होती है, अंधेरा आएगा, ज़्यादा साफ नहीं आएगा नज़र क्योंकि रात का टाइम है, लाइट है नहीं, लाइट रहती है तो ठीक ठाक फिर रोशनी रहती है। पता करते हैं बस कहाँ की है और कितने टाइम की है और कितने बजे ये वाली बस का डिपार्चर है। बहुत सारे बस का डिपार्चर अलग अलग टाइम पर होता है लक्ष्मी हॉलीडेज की बसेस का। तो एक तो बसेस इधर खड़ी है, बाकी बसेस उस तरफ यहाँ पे खड़ी है लक्ष्मी हॉलीडेज का, देखेंगे बस उधर से आ ही रही है अभी इस तरफ। यही वाली बस है जो बस नंबर आ जाता है मैसेज में,
उसका नंबर देखा, नंबर से पता चलता है, ऐसे डिस्प्ले लिखा हुआ नहीं रहता है। सामने की तरफ देखेंगे बस कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, टाइमिंग और बस का नंबर, बस जब छूटने वाली है और उसके बाद बस का टाइमिंग, उसके बाद पता चलता है बस कहाँ के लिए वो जा रही है। तो यही वाली बस है, बस का मैंने नंबर देखा है। बस अभी यहाँ पर ये पार्क हो रही है, तो इसी तरह का ये दूसरे तरह की भी बसेस है यहाँ पे जाती है अलग अलग जगहों के लिए। तो अभी इधर से रिसेंटली ये चलना चालू हुआ है कुछ महीने से, पहले यहाँ से नहीं चलती थी लक्ष्मी हॉलीडेज की बसेस यहाँ से। तो ये बस यहाँ पे लग रही है और पहले बैग रखते हैं और फिर ये एंट्री करवा लेता हूँ मैं यहाँ से कि क्या है एंट्री इसका, देख लेते हैं हमें। बस में एंट्री कर रहे हैं, ये लाइटें लगी हुई हैं, सीट है मेरी तो सीट 1C है, तो ये वाली सीट है मेरी, इस पे मैं रख देता हूँ अभी बैग को इस तरह से। और ये बस है तो अच्छा है, 2x2 पुश बैक बस है, बढ़िया है। पीछे कुछ लोग उधर बैठ रखे हैं और इस तरह की बसें हैं यहाँ पर लगी हुई, ठीक ठाक है। और ऊपर ये ब्लैंकेट रखा हुआ है, ठंड लगेगी तो ब्लैंकेट ओढ़ सकते हैं यहाँ पे। और मैं दिखा दूँ ये फैसिलिटी है, कहीं कहीं चार्जिंग पॉइंट भी लगी हुई थी, फ़िलहाल तो मुझे कोई चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है बस में। तो बस में कुछ ही पैसेंजर बैठे हैं, मैं हूँ और कुछ लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं पीछे की तरफ। दिल्ली से 1.25 घंटा बस चलने के बाद बस का स्टॉपेज होता है सोनीपत में मुरथल नाम के जगह पर। तो यहाँ पर ढाबा है, यहाँ पर बस का स्टॉपेज होता है 30 मिनट के लिए। तो 30 मिनट के लिए खाने का स्टॉपेज होता है। तो बस 10:30 बजे चली थी, तो 11:30 बजे के बाद इन्होंने इस ढाबे पे स्टॉपेज दिया। और ढाबा इधर का हरियाणा का खासकर अच्छा खासा बड़ा होता है, बिल्कुल होटल जैसा ही दिखता है। वैसे तो खाना मैंने दिल्ली में खा लिया था बस में बैठने के पहले, यहाँ पर थोड़ा चाय पी लेते हैं क्योंकि ठंड का मौसम है। अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं, रात को 10:30 बजे चला था दिल्ली से, अभी जस्ट मंडी क्रॉस किया है। धूप नहीं आई है ज़्यादा, हल्की हल्की धूप है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे बस ने स्टॉपेज दिया है, 10-15 मिनट का चाय पीजिए, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, ज़्यादा समय के लिए यहाँ पर नहीं रुकती है। तो रेस्टोरेंट है यहाँ पीछे व्यास व्यू करके, यहाँ पर वो कुछ मिनट का स्टॉपेज देते हैं। सामने है ब्यास व्यू रेस्टोरेंट, चाय कॉफ़ी पीने के लिए चलता हूँ मैं भी, कुछ चाय कॉफ़ी देखता हूँ क्या है वहाँ पर पीने के लिए। सारे प्राइवेट टूर ट्रैवल की बसेस, ये भी दूसरे टूर ट्रैवल की बसेस है, ये तो सेम टूर ट्रैवल की बसेस, सब यहाँ पर खड़ी है इस तरह से। और व्यू देखेंगे तो व्यू अच्छा दिखाई देता है यहाँ से। सामने टेम्पो ट्रैवल भी लगी है, इधर लोग हैं कुछ इस तरह, और इस तरफ से सामने का व्यू दिखाऊं, माउंटेन का व्यू, उधर जूस की दुकानें हैं उस तरफ को लगी हुई। अभी धूप निकला नहीं है, धूप आएगा तो और भी ज़्यादा व्यू काफ़ी अच्छा हो जाएगा, अभी इतना अच्छा व्यू नहीं है। पहाड़ है, ऊँचे ऊँचे माउंटेन है उस तरफ,
वो देखेंगे सामने। अभी धूप हल्की हल्की लाल होनी चालू हो गई, लालिमा आ रही है। और अपनी बस यहाँ पे खड़ी है, चलते हैं, पहला चाय कॉफी पी लेते हैं। नीचे ब्यास नदी बहती है, सामने पहाड़ों पे घर बन रखे हैं ऊपर चोटियों के ऊपर। कैमरे में तो साफ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा उस तरफ। उधर वो सामने वो बस पार्क हो रखी है चाय कॉफी के लिए, उधर रुक रखी है। और नीचे है ब्यास नदी, काफी ज्यादा खाई है, गहराई है नीचे एकदम। जूम करके दिखाता हूँ, वो नीचे बह रही है, यह है ब्यास नदी। इस तरफ ये पूरा एरिया इधर बहते हुए इस तरफ से वो सामने की तरफ उधर वो जा रही है ब्यास नदी। ज़्यादा हरे भरे पहाड़ नहीं है, और जूम करके दिखाऊं तो कुछ घर दिखाई देंगे थोड़े बहुत ऊपर, बहुत हल्के से धुंधले से। ये बनाना है रास्ता इधर से, इधर से देखो जो ऊपर जा रही गाड़ियां। तो फाइनली पहुंच गए मनाली का ये प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड है। मनाली माल रोड से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पीछे है सवारियां उतर रही है गाड़ी से। टोटल 560 किलोमीटर था दिल्ली से मनाली का। अब बस ने लगभग लिया 12.5 घंटे का लगभग टाइम लिया उन्होंने। थोड़ा लेट हुआ, कभी कभी 12 घंटे में पहुँचा देती, कभी कभी 12.5 घंटे में बस पहुँचा देती है। कुल मिला के जर्नी कम्फर्टेबल था, बढ़िया था। रोड लगभग ठीक है, बीच बीच में कहीं ख़राब है, लेकिन कुल मिला के सही है। और मैं आया था दिल्ली से कीरतपुर वाले हाईवे होते हुए,
मनाली की तरफ। रात के टाइम वीडियो तो शूट कर नहीं पाया, तो लेकिन कंफर्ट से मनाली पहुंच गया। तो मैं तो जा रहा हूं, मेरी तो गाड़ी आ रही है, चले जाऊंगा। मैं तो रहता हूं न्यू मनाली में ही, 2 किलोमीटर है यहां से। आई होप आप ये ब्लॉग और ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसी तरह के वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगा। और ये रिसेंट वीडियो है जनवरी मंथ का 2024 का।